जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों आप लोग को बता दें, अभी के एक सेशन में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की जो आप लोग की नई रिक्रूटमेंट निकल करके आई है। आप लोग को मालूम होगा साथियों कि ये जो नोटिफिकेशन है, अभी सर्कुलर नोटिफिकेशन आरआरबी एनटीपीसी का जारी किया गया है, जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट एक साइड यानी कि 12 लेवल के लिए एक साइड वैकेंसी के बारे में चर्चा की गई है, एक साइड ग्रेजुएट लेवल के बारे में चर्चा की गई है कि कौन से जोन में कितने सीटों पर वैकेंसी आई हुई है। मगर सबसे बड़ा चीज दोस्तों, यहां पर जो है अच्छे वे से नहीं समझाया गया है। जैसे आप लोग देखिएगा तो देखिए, यहां पर बिलासपुर में 48 सीट है, उसके बाद देखिए मुंबई में 151 सीट है। तो इस प्रकार से बच्चों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर टॉप कौन सा जोन है 12 लेवल पर भरने के लिए। कि मान लीजिए अगर आप लोग सिर्फ 12 पास है और आप लोग चाहते हैं कि कौन सा जोन सबसे अच्छा है, जहां पर सबसे ज्यादा वैकेंसी आई हुई है, जहां पर आप लोग जो है इजीली फॉर्म को अप्लाई करें तो आप लोग का जॉब होने का चांसेस ज्यादा हो दोस्तों। तो ये सारा जो डाटा है ना, यहां पर तो डाटा अच्छे वैसे नहीं दिया गया है, मगर हम आप लोगों के लिए एक डाटा अरेंज कर दिए हैं दोस्तों। आप लोग डाटा देखिए, देखिए दोस्तों ये जो डाटा है आप लोग का स्पेशली 12 लेवल के लिए मैंने बनाया है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं 12 पास के लिए स्पेशली मैंने डाटा बनाया है, जो कि जोन के वाइज आप लोग का मैंने ये डाटा अरेंज किया है दोस्तों। यानी कि सबसे टॉप पर कौन सा जोन में वैकेंसी आया है और सबसे लोएस्ट में कौन से जोन पर वैकेंसी आया है। यानी कि इस प्रकार से आप लोग को ये डाटा देखने के बाद ये साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि कौन से जगहों पर आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों की जॉब होने की चांसेस ज्यादा रहेंगी दोस्तों। ठीक है, अब मान लीजिए आप ही लोग समझिए कि अगर आप लोग फॉर्म को अप्लाई तो कर दिए और अप्लाई करने के बाद आप लोग मान लीजिए कि मन है आप लोग का बिहार में है और पटना में फॉर्म अप्लाई कर लिए, तो देखिए पटना में क्या सीट है भैया, मात्र 16 सीट है। तो अब उतना जब आप लोग का पकड़ मजबूत ही है तो भैया भरिए। हाँ जान रहे कि नहीं हम ये 12-16 सीट में से एकदम 100% फाइट करके अपना जॉब ले ही लेंगे तो भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो मिडिल हमारे कैंडिडेट्स हैं, मिडिल जो हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, उनको कहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। कि देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पढ़ने में तेज नहीं है, नॉर्मल है, 10-12 पास किए, नॉर्मल अच्छा खासा नंबर आया है, प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एक अच्छी खासी जॉब हो जाए, तो उनके लिए अच्छा जोन जाना, बेस्ट जोन जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों हम लोग बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आप लोग अगर 12 पास है तो आप लोग के लिए हम स्पेशली बतला रहे हैं, और इसके बाद कुछ थोड़े ही देर के बाद ग्रेजुएशन वाला भी पीडीएफ आप लोग का इसी प्रकार से अरेंज कर रहे हैं हम, और ग्रेजुएशन वाला भी जैसे ही बन जाता है तो आप लोग का ग्रेजुएशन पर भी सारा क्लियर कर देंगे दोस्तों। सबसे पहले समझिए कौन सा जोन आप लोग का टॉप है 12 वालों के लिए। तो दोस्तों 12 में अगर आप लोग पास है, एनटीपीसी में जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो सबसे टॉप पर आता है आप लोग का मुंबई जोन, सेकंड नंबर पर आता है कोलकाता, तीसरे पर इलाहाबाद, चौथे पर अहमदाबाद, पांचवे पर चंडीगढ़। सीटों की संख्या को देखिएगा तो ये आप लोग का हम पोस्ट के नाम वाइज भी बतलाएंगे कहां पर कितना सीट है, मगर सबसे पहले टोटल देख लीजिए, 699 जो सीट है वो आप लोग की मुंबई में है दोस्तों, कोलकाता में 452 है, हाईएस्ट में से बतला रहे हैं, हाईएस्ट से ऊपर से लोअर की तरफ हम लोग आ रहे हैं। इलाहाबाद की अगर बात कर ले तो 389 सीट है दोस्तों, अहमदाबाद में 208 सीट है दोस्तों, और उसी के साथ चंडीगढ़ में 204 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब आगे हम आप लोग को यहां पर पोस्ट वाइज भी बतला रहे हैं कि कौन से पोस्ट में कितने सीटों पर वैकेंसी है, कौन से जोन में। ठीक है दोस्तों, अच्छा उससे पहले बतलाना चाहेंगे, बहुत सारे भाई जो है जो हमारे चैनल पर रेलवे का प्रिपरेशन करते हैं, आप लोग को अच्छे से मालूम होगा अगर आप लोग चैनल के हमारे पुराने कैंडिडेट थे तो, कि हम आप लोग का रेलवे का जो तैयारी है वो बहुत दिनों से करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो है साइंस का सेट अभी शायद 85 या 90 के करीब में हम लोग पहुंच चुके हैं, तो रेलवे का जो आप लोग का प्रिपरेशन है वो हम शुरू से स्टार्टिंग से करा रहे हैं दोस्तों। और अगर आप लोग एनटीपीसी में भी फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो या फिर रेलवे के किसी भी जॉब में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आप लोगों के आगामी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों के लिए एक नोट अरेंज किया है दोस्तों। देखिए आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि हम प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन, टीसीएस पैटर्न पर क्वेश्चन, उसके साथ दोस्तों कौन से क्वेश्चन आता है, तो रेलवे के द्वारा जो इंटरनल एग्जाम्स होता है ना, कोटा वाला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए वो क्वेश्चन आप लोग डायरेक्ट भर्ती में पूछती है, तो ये वाली क्वेश्चन, तीन पैटर्न हो गया, और चौथा पैटर्न रहता है हम लोग का एनसीईआरटी का क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी से दोस्तों रेलवे के किसी भी एग्जाम में 30% क्वेश्चन जरूर डालता है। ठीक है, तो ये चारों पैटर्न को मिलाकर के, प्रीवियस, टीसीएस, कोटा वाला और फिर एनसीईआरटी, चारों को मिलाकर के मैंने एक पीडीएफ आप लोग के लिए अरेंज किया है, जिस पीडीएफ में दोस्तों आप लोग के लिए 20,000 से भी ज्यादा मैंने क्वेश्चन आप लोग के लिए रखा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग सब्जेक्ट वाइज देखना चाहते हैं
तो साइंस के लिए मैंने 4000 प्लस क्वेश्चन रखा है और जीके के लिए मैंने आप लोगों के लिए 8000 प्लस क्वेश्चन रखा है। स्टैटिक जीके के लिए मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए 2000 क्वेश्चन रखा है। इसी प्रकार मैथ और इसी प्रकार रीजनिंग, यानी कि टोटल को कंबाइन करिएगा तो आप लोग का 20000 से भी ज्यादा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप लोग अगर क्वेश्चन देखना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे यहां पर है कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, उसके बाद है कि उत्तर पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है। तो देखिए दोस्तों, उत्तर मध्य का अलग आंसर होता है, उत्तर पश्चिम का अलग आंसर होता है। आप लोगों के लिए सारा क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कराया है, रेलवे से संबंधित प्रीवियस ईयर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया टोटल क्वेश्चन ऐड किया है आप लोग के लिए। अगर आप लोग अभी इस पीडीएफ को, इस नोट्स को लेते हैं दोस्तों, तो आप लोगों के लिए ऑफर है एनटीपीसी वाले छात्र के लिए स्पेशली। क्यों स्पेशली? तो देखिए, एनटीपीसी वाले भाई को अच्छे से बता दे कि कंप्यूटर से भी रिलेटेड अब क्वेश्चन आप लोग का पूछ रहा है एनटीपीसी में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो इंटरनल एग्जाम अभी जो 2021 में हुआ है उसमें क्वेश्चन इंटरनल वाला पूछा था 2021 में एनटीपीसी में कंप्यूटर से रिलेटेड। तो कंप्यूटर का भी नोट्स हम आप लोग को अभी फ्री में देंगे। अगर आप लोग अभी लेते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, 7870141238। इस नंबर पर आप लोग को जो है पूरा का पूरा नोट्स दे दिया जाएगा दोस्तों। कितना नोट्स है? 20000 प्लस आप लोग के लिए क्वेश्चन मैंने इसमें डाला हुआ है। और दोस्तों 20000 क्वेश्चन के लिए आप लोग को सिर्फ और सिर्फ 70 रुपीज पे करने होंगे। मात्र 70 रुपए में आप लोग को पूरे सब्जेक्ट का कॉम्बो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं और कंप्यूटर का पीडीएफ बिल्कुल फ्री, जिसमें कि आप लोग को कंप्यूटर से रिलेटेड 4000 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एमसीक्यू पैटर्न पर आधारित। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए नंबर को, बाद में व्हाट्सएप करके ले लीजिएगा। व्हाट्सएप करना है आप लोग को इस नंबर पर, कॉन्टेक्ट करिएगा व्हाट्सएप करके, आप लोग को नोट से दे दिया जाएगा। चलिए भाई, अब हम आप लोग को समझा दे जोन वाइज आप लोग का डाटा कौन सा है, आप लोग का सेफ जोन कौन सा रहने वाला है इस बार साल 2024 में दोस्तों। तो देखिए, साल 2024 में सबसे सेफेस्ट में रहने वाला है आप लोग का अहमदाबाद। अब बोलिएगा आप लोग कि भैया मुंबई, कोलकाता और फिर इलाहाबाद को आप क्यों नहीं बोले, जबकि वहां पर सबसे ज्यादा सीट है। तो आप लोग को बताना चाहेंगे दोस्तों, कभी भी आप लोग अगर 12 पर भर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन भर रहे हैं, आप लोग अभी एएलपी का फॉर्म अप्लाई हुआ है, टेक्नीशियन का भी पीछे फॉर्म अप्लाई हुआ है, सभी का अगर आप लोग डाटा निकाल करके देखिएगा ना, तो जो टॉप 3 जोन होने हैं, टॉप 3 जोन ये आप लोग का रेड जोन में आ चुका है दोस्तों। यानी कि ऊपर से जिसमें भी सबसे ज्यादा सीटों पर वैकेंसी निकाला जा रहा है वो जोन साथियों खतरे की रेड जोन में आ रही है, एकदम खतरा वाला जोन उसे माना जा रहा है। क्योंकि यहां पर बच्चे सबसे ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, दबा करके एकदम भी मन से फॉर्म अप्लाई हो रहा है यहीं पर। ठीक है, तो इसके चलते जो है ऊपर के टॉप 3 जोन को जो है एकदम छोड़ देना है। अगर आप लोग हमारे चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई करिएगा, 100% याद रखिए कि मुंबई में नहीं, कोलकाता में नहीं और इलाहाबाद में नहीं, इन 3 जोनों में आप लोग को कभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं करना है। फॉर्म अप्लाई कहाँ करना है? अहमदाबाद में करिए दोस्तों। अहमदाबाद में आप लोगों की 208 सीट है, चंडीगढ़ में करिए, ठीक है, 204 सीट है। ठीक है दोस्तों, चेन्नई में करिए, सबसे अच्छा है भैया चेन्नई में, 194 सीट है, अभी इधर अच्छी खासी देखने को मिली है टेक्नीशियन में भी। ठीक है, तो ये सब जोन आप लोग की सेफेस्ट है। गुवाहाटी की अगर बात कर ले तो गुवाहाटी है, बहुत अच्छा खूबसूरत जोन है, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करिए दोस्तों। तो ये सब जो जोन है गुवाहाटी में करिए। उसके बाद आ जाता है बिलासपुर, यहाँ पर भी करिए, हालांकि यहाँ पर जो है बिलासपुर इस बार टेक्नीशियन में खतरे के जोन में आ चुका था, खतरे की जोन में आ चुका था। तो बोलेंगे भैया बिलासपुर पर सबका आपके इस बार भी नजर है, तो बिलासपुर में थोड़ा सा दूरी रहिएगा, आप लोग की ऐसे मर्जी। वैसे हमारा जो राय है हम आप लोग को अपने छोटे भाइयों को दे रहे हैं। ठीक है, आगे आप लोग को भैया पसंद आता है तो लीजिए, नहीं आता है तो मत लीजिए, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है दोस्तों। चलिए, जम्मू की अगर बात कर ले तो जम्मू में अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ठीक है, जम्मू में 147 सीटों पर वैकेंसी आप लोग की निकाली गई है। ठीक है, गोरखपुर अप्लाई करिए, 120 सीट है। तिरुवनंतपुरम में भी अप्लाई करिए, तिरुवनंतपुरम आप लोग का 112 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, ये सब जो है ना 4-5-6 जोन, यहां पर आप लोग इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग की सिकंदराबाद, रांची, अजमेर, यहां पर कौन से बच्चों को फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग प्रॉपर सिकंदराबाद के हैं, आप लोग पढ़ने में ठीक ठाक हैं, तब आप लोग अपने घर वाले जोन को भैया अप्लाई इजीली अप्लाई उसको चूज कर सकते हैं और सिकंदराबाद में अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो भैया मत करिएगा, क्योंकि देखिए 100 से भी कम सीटें यहां पर उसके बाद आ जा रही है। यहां पर कहां से स्टार्ट हो रहा है? सिकंदराबाद, रांची, अजमेर, मुजफ्फरपुर, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, सिलीगुड़ी, उसके बाद आता है पटना और लास्ट में आता है हम लोग का मालदा टाउन है। हाँ, मालदा है लास्ट में, तो मालदा का भी अभी बतलाएंगे। मगर ये सब जो जोन है ना दोस्तों, अगर आप लोग के पास आप लोग का होम टाउन है तो ही अप्लाई करिएगा, होम टाउन नहीं है तो कभी भी मत अप्लाई करिए, दिमाग में रखिए। और होम टाउन में भी अगर आप लोग पढ़ने लिखने में एकदम है कि नहीं भी मेरा मजबूत है, एकदम निकाल सकते हैं, हमारा खुद पर एकदम भरोसा है,
तो ही आप लोग फॉर्म को अप्लाई करिएगा, नहीं तो भैया ये सब जो जोन है ना यहाँ से 76 के नीचे आप लोग को अप्लाई करने के लायक नहीं है। इन सब में फाइट करिए, आप लोग का ठीक ठाक है, मगर इधर भैया फॉर्म को अप्लाई मत करिएगा। अगर आप लोग का पूरा तैयारी मजबूत है तो करिए, नहीं तो भैया मत करिए। चलिए अब यहाँ पर हम आप लोग को बता दें, देखिए आप लोग का मालदा में भी मात्र 12 सीटों पर वैकेंसी है, तो इस सब जगहों पर फॉर्म अप्लाई करने का क्या फायदा। बिहार में तो भैया ऐसे ही मत करिएगा, पटना में आप लोग को अच्छे से मालूम होगा कि बिहारी लोगों का क्या हाल है। भैया बिहारी लोग भैया पढ़ने में बहुत आगे हैं, तो बिहारी लोग से कॉम्पिटिशन करना है तो दूसरे स्टेट से तो आकर के कभी करिएगा ही मत। और अगर पटना के हैं प्रॉपर, हाँ जानते हैं कि भैया मेरा तैयारी मजबूत है, तो आराम से फॉर्म अप्लाई करिए, लीजिए भैया जॉब आप लोग की मर्जी। 16 सीट में अगर एक सीट आपका हो जाता है अति उत्तम भैया, बहुत खुशी की बात है। ठीक है, नीचे से नहीं अप्लाई करना है, कहां तक अप्लाई करिए 92 112 तक इजीली करिए, 92 के बाद से नीचे मत करिएगा, कोई फायदा नहीं, झूठ मूठ का रेड जोन में आ जाएगा। यहां पर कम भी फॉर्म गिरेगा ना तो कंपटीशन आप लोग का पर सीट कॉम्पिटिशन देखा जाता है, तो पर सीट कॉम्पिटिशन इधर आप लोग का बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा। इधर मत करिएगा, 112 तक करिए, तिरुवनंतपुरम के ऊपर तक करिए भैया, और ऊपर से 3 जोन को छोड़ दीजिएगा, नीचे से तो इन सब जोन को छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ पर हम आप लोग का पोस्ट वाइज डाटा भी लिख दिए हैं दोस्तों, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि 12 लेवल पर कौन सा पोस्ट वाइज डाटा है, तो देखिए अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए दोस्तों 361 सीटों पर वैकेंसी 12 लेवल के लिए निकाला गया है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। अच्छा एक बात और, ये जो रेड से मैंने लिखा है ना इसमें आप लोग का टाइपिंग लगेगा, रेड से जो भी मैंने लिखा है इसमें आप लोग का टाइपिंग लगेगा, यानी कि खतरा वाला जोन, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का टाइपिंग नहीं है, तो टाइपिंग किस किस में नहीं लगेगा, तो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क में आप लोग का टाइपिंग नहीं लगेगा, एनटी यानी कि नॉन टाइपिंग, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेंस क्लर्क जिसमें कि सबसे कम सीट निकाला गया है और इसी में सबसे ज्यादा भैया फॉर्म भी अप्लाई होता है ट्रेंस क्लर्क में ही टीसी में, तो इसमें भी आप लोग का टाइपिंग नहीं लगेगा, मगर क्या कहे बहुत दुख की बात है मात्र 68 सीटों पर वैकेंसी निकाला गया टीसी में, ठीक है, इसके लिए तो बवाल होगा ये हमको मालूम है, इसके लिए तो होगा भैया। तो चलिए आप लोग का अकाउंट्स कम अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट में कितना सीट है 361, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में कितना सीट है 1985, यहाँ पर देखिए जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में कितना सीट है 990, उसके बाद ट्रेंस क्लर्क में 68 सीट है। टोटल अगर 12 लेवल की पोस्ट की बात कर ले तो कितनी सीट है, तो 3404 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। फुल इंफॉर्मेशन आप लोग को 12 लेवल वाले भाई के लिए बतला दिए, अगर अब आप लोग दोस्तों सही मायने में प्रिपरेशन करना चाहते हैं और इस बार एनटीपीसी हो चाहे रेलवे का कोई भी जॉब हो आप लोग उसे क्रैक करना चाहते हैं, तो इस नंबर को भूलिएगा नहीं, इस नंबर को अपने दिमाग में बैठा लीजिए दोस्तों। इस नंबर पर आप लोग को क्या करना होगा, इस नंबर पर दोस्तों आप लोग को व्हाट्सएप करना होगा, क्या करना होगा व्हाट्सएप करना होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि किस प्रकार का आप लोग को पीडीएफ मिलेगा, तो डेली हम आप लोग को क्लासेस उपलब्ध कराते हैं, साइंस का जीके जीएस का रोजाना क्लास आप लोग का चलता है, जाकर के कोई भी क्लास ओपन करके देख लीजिएगा तो आप लोग को पीडीएफ का पैटर्न मालूम चल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप कर लीजिएगा इस नंबर पर 7870141238, व्हाट्सएप करने के बाद दोस्तों आप लोगों को 20,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आप लोग को अभी प्रोवाइड कराया जाएगा, कितने में, तो मात्र 70 रुपए में। और अगर अभी आप लोग इस पीडीएफ को ले रहे हैं अभी रिसेंटली में 2 दिनों के अंदर में, तो आप लोगों को दोस्तों हम कंप्यूटर का भी जो नोट्स है वो बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, कंप्यूटर का बिल्कुल फ्री में। कंप्यूटर से रिलेटेड कितना क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को, 4000 से भी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा कंप्यूटर से रिलेटेड, उसका हम फ्री में कराएंगे, क्योंकि एनटीपीसी में कंप्यूटर से अब क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, दिमाग में रखिएगा। चलिए नंबर नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, आप लोग के लिए मना थोड़ी है भैया, आप लोग तो हमारे छोटे भाई हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ले लिए। चलिए अगर दोस्तों अगर अब आप लोग को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने सोशल आईडी पर जरूर एक बार लिंक को पोस्ट कर दीजिएगा दोस्तों, लिंक को अपलोड जरूर करिए अपने सोशल आईडी के पास, आप लोग से इतना निवेदन करेंगे हमारे छोटे भाइयों। और अगर आप लोग के मन में कुछ डाउट है, कुछ कमी है, कुछ जानकारी चाहिए, कॉमेंट करिए, आप लोग को कॉमेंट का 100% हम रिप्लाई देंगे हमारे छोटे भाइयों। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करिएगा दोस्तों मित्रों के पास। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।